वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आ गए फिर से एक और नया ब्लॉग लेके, और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार के कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स जो बहुत ही प्यारे हैं। बहुत जाने वाले हैं आज हरिद्वार। स्कूटी हो रही है अभी स्टार्ट और हम लोग निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं गाइस आप लोगों से लोकेशन पे पहुंच के। मौसम एकदम खुल गया है और आज मेरे को लगता है कि ट्रैफिक भी हमें मिलेगा, हमारा लग अच्छा चल रहा है और ये खाने बच जा रही है। तो एकदम साफ मौसम हो रहा है और ग्रीनरी के साथ हम लोग निकल गए हैं। लेट्स गो। तो गाइस इस समय हम आ गए हैं आचार्य बेला इंडिया टेंपल। ये हमारी लिस्ट में पहला टेंपल है, तो चलो अब हम आपको अंदर। वैसे मुझे बाहर से देखने लेकिन इस राक्षस ने ना टूटा हुआ, इसका मतलब राक्षस डेंजरस नहीं है, तो इसको मार के दिखाएंगे। तो अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं टेंपल। तो गाइस आप देख सकते हैं अंदर स्टार्टिंग में कितनी बढ़िया से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इस मतलब मूर्ति में दिखाया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है कि कृष्ण भगवान को कैसे हाथी के सूंड से नहलाया जा रहा है। यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे लक्ष्मी जी की एक मूर्ति भी है जो कि कमल के फूल, और सबसे एंड में जो है वो लास्ट में ये है मेरा फेवरेट, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को, हमने सबने कार्टून देखे हैं ना बचपन में, उसमें कृष्ण जी ने छोटी उंगली से उठाया था ना गोवर्धन पर्वत, वो उसकी स्टैचू है। वहाँ पे पूरा देखो स्टैचू पे उन्होंने उंगली से उठाया हुआ और सब जितने भी हैं वृंदावन वासी वो नीचे खड़े हुए हैं। तो अंदर जो है गुफा के अंदर है बहुत सारी अच्छी अच्छी झांकियां और बहुत सारी सुंदर सुंदर झांकियां, तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं और हम लोग ने एंटर कर दिया है इन द केव। ये वो दृश्य है जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बाण मारा था शती बाण, तो उससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो राम जी सुद्बुद्ध हुए बैठे हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। भगवान कृष्ण जी चोरी से गाय माता का दूध पी रहे हैं और यशोदा मैया उन्हें डंडा लेकर डरा रही हैं। कितना प्यारा दृश्य है गाइस ये। श्री वेंकटेश भगवान। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी। श्री द्वारकाधीश श्री बद्री नारायण भगवान जी। और आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा कि विष्णु जी हमेशा शेषनाग पर विश्राम करते हैं, तो यहाँ पर उनकी एक और मूर्ति है जिसमें वो शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। तो महाभारत तो सभी ने देखी होगी, तो महाभारत का मेन किंग कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण जी यहाँ पर अर्जुन को कुछ बता रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे करना होता है। राजा नगर का गिरगिट योनि से उद्धार का दृश्य। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं शूर्पनखा की नाक कैसे काटी थी लक्ष्मण जी ने। अब जिसने असली वाली रामायण देखी है उसे तो सब कुछ पता होगा कि कैसे काटी थी और क्यों काटी थी, अब जो आदि पुरुष देख के आए हैं उन्हें नहीं पता होगा। जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं, विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम ताड़का का वध करते हुए, और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। ताड़का एक राक्षसनी थी। और ये है कारागार में देवकी और वासुदेव को नारायण जी दर्शन देते हुए। तो
तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। हमने सोचा थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, तो मार्केट घूमते घूमते हम लोग हरिद्वार से निकल गए और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम लोग अब जा रहे हैं घर और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। गुड डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।